ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर पंचायतों के बीपीएल सूची से अपना नाम कटने से नाराज लोग गुरुवार को विश्राम गृह ज्वाली में विधायक अर्जुन सिंह के पास शिकायत लेकर पहुंचे। इस अवसर पर कई लोगों ने पंचायत प्रधान व सचिवों पर उनके नाम रसूखदारों के कहने पर काटने का आरोप लगाया, तो कई लोगों ने बताया कि पंचायत को बीपीएल मुक्त करने के लिए उनके नामों को जबरदस्ती काट दिया गया। इस मौके पर विधायक से मिलने विनोद कुमार ने बताया कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी तथा उसकी पत्नी ने उसको किडनी दी है। विनोद कुमार ने कहा कि उसका पीजीआई में इलाज होता है तथा हर माह करीबन 10,000 रुपए की दवाई आती है। कमाई का कोई साधन नहीं है, बीपीएल कार्ड से उसके इलाज में सहायता मिलती थी, लेकिन पंचायत ने उसका नाम बीपीएल से काट दिया है। हर पंचायत से ही कश्मीर चंद ने बताया कि उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट भी है, परंतु इसके बावजूद उसका नाम काट दिया गया है। वहीं लाहड़ू पंचायत के निवासी संजीव कुमार ने कहा कि वह और उसकी पत्नी 50% अपंग है, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम बीपीएल से हटा दिया गया है। समस्त लोगों ने कहा कि जानबूझकर गरीब लोगों के हकों को दबाया जा रहा है। समस्त लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत एसडीएम ज्वाली अरुण कुमार शर्मा से की गई। इस बारे में ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि बीपीएल के पात्र लोगों को नाम काटने की शिकायतें उनके पास आ रही हैं। इसी को लेकर आज ब्लॉक के पंचायत सचिवों की बैठक बुलाई गई, जिसमें बीपीएल व मनरेगा व अन्य विकास संबंधी योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बीपीएल के पात्र लोगों को किसी भी सूरत में बीपीएल सूची से हटाया नहीं जाएगा। इसके लिए वह जल्द पंचायती राज मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हर पंचायत से सर 2011 में बीमार हुआ था, किडनी पेशेंट था, उस टाइम मेरी दवाई चली थी। फिर 2013 में मेरे को IITP में डाला गया, तो उसके बाद मेरी टेस्ट चलते हैं, PGI से ट्रीटमेंट चला हुआ है, लाइफ टाइम के लिए दवाई चली हुई है और मेरे को BPL से निकाल दिया गया। कब निकाला? अभी इस वक्त बोलते BPL फ्री कर दिया। मैंने पूछा कि BPL फ्री क्योंकि अब मेरे को मेडिसिन चाहिए, 10,000 की मेरी दवाई आती है, 5-6 हज़ार के टेस्ट होते हैं, PGI में फ्री हो जाते हैं BPL के कार्ड से। जो मोहर लगती है हर साल में, अगर वो BPL का सर्टिफिकेट दूँ तो, नहीं दूंगा तो 5-6 हज़ार के, मतलब 15 दिन में करवा सकते रिपीट और 10 दिन में भी। तो आप मेरे परिवार में मेरी पत्नी ने मेरे को किडनी दी है, मेरी एक लड़की है फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। मैं कश्मीर चंद ग्राम पंचायत था से ब्लॉक रोटा सोच गया और मैं जो है IDP से निकाल दिया गया और मेरी जो है आईज वीक है और मेरी सॉफ्ट फ्रेंड दिखा और मैंने उनको बताया था प्रधान और सर। हमारा लाड़ू पंचायत से हूँ सर, मैं 50% हंडी जाट हूँ और मेरी पत्नी भी 57% हंडी जाट है, दो बेटियाँ हैं मेरी। मेरे को बिना वजह से BPL से निकाल दिए गए सर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे को दोबारा BPL में डाला जाए। कमाई का कोई साधन नहीं है सर, मैं ना तो दिहाड़ी लगा सकता हूँ ना मैं कुछ कमा सकता हूँ। तो ये कार्यक्रम BPL से संबंधित तो था ही था, साथ में मैंने ये भी पूरा थोड़ा विधानसभा का सेशन है उससे संबंधित जानकारी ली है कि कितने कितना पैसा बजट हमारी सरकार द्वारा दिल्ली से प्रदेश से आया उसकी क्या स्थिति है। बाकी जहाँ तक रही आपकी BPL की बात, तो हमारे माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी ने उसके प्रति काफ़ी डिटेल में लिखा है और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ा निष्पक्ष होकर बड़ा निडर होकर कि गरीब का अधिकार हमें खोने की कोई अधिकार नहीं। मैंने देखा रोज मेरे पास, आज भी आपके सामने बाहर सैकड़ों लोग ऐसे आए हैं जिनको आज भी BPL की ज़रूरत है। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत की स्कीम है और कई ऐसी स्कीम है, हमारे आप प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनके तहत इन लोगों को फायदा मिलता है। तो मैंने इसके लिए भी सचिवों को कहा अगर पंचायत का प्रधान जिम्मेवार है तो इसके लिए आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी फिक्स है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारी समस्त सरकारें दिल्ली से भी प्रदेश से भी गरीब लोगों के प्रति इतनी सजग हैं, किसी के साथ किसी दो व्यक्तियों के द्वारा से आज आया है, कुछ अमीर लोगों के कहने से जब पंचायतों में वो BPL मुक्त कर दिया, ये बिल्कुल सरसर मैं तो कहूँगा गलत है। परंतु अगर BPL के लोगों को शिकायतें हैं तो मैंने कह दिया भाई आप लिख कर दीजिए, मैं माननीय इस विभाग से संबंधित मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से ही बात करूँगा और अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा ताकि आपको ठीक से न्याय मिल सके।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।